हेलो दोस्तों, आपकी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी KFC। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। KFC चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, लेग पीस लिए है, करेंगे 100 ग्राम हरी मिर्च जिसको हमने बारीक कूट लिया, बड़ी चम्मच से एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच चिकन मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर और दो अंडे, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वादानुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लिए, अब इसको एक घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये है मैदा 50 ग्राम, ये कॉर्नफ्लोर 50 ग्राम, दो अंडे, इसको अच्छे से मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे। अच्छे से बन पाए तो इसमें दो अंडे का और मिक्स करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से घोल बना लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर घोल गाढ़ा हो तो इसमें एक अंडा और मिला सकते हैं। ये KFC को का घोल बनकर तैयार हो गया है। इसी में डिप करके फ्राई करेंगे। ये सूखा इसको रखेंगे। ये है 50 ग्राम मैदा और 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर सिंघाड़े का आटा। अब इसमें कॉर्नफ्लेक्स ऐड करेंगे। फ्लेक्स को अच्छे से दोनों हाथों के सहारे से चाहे एक हाथ से अच्छे से मैश करके इसमें ऐड करें। अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पाउडर उसका बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं डीप फ्राई करने के प्रोसेस में। देखिए हमारा ये चिकन है जिसको हमने एक घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। ये घोल है ये और ये पाउडर। इसे अच्छे से पहले कोटिंग कर लेंगे, फिर इसको इसमें घोल में डिप कर लेंगे। इसे अच्छे से डिप कर लीजिए, फिर इसे फिर से कोटिंग करिए, फिर से कोटिंग कर लेंगे, फिर इसे फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम फ्राई करेंगे। इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा KFC बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए एकदम मार्केट जैसा KFC बनके तैयार हुआ है। देखिए हमारा KFC बनके तैयार हो गया। इसी प्रोसेस से सारे चिकन को हम बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा KFC बनके तैयार हो गया एकदम मार्केट जैसा। KFC घर पे ही बनाए हैं हम और खाने में बहुत ही क्रिस्पी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी बनाइए, और आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।